नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो पर हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दावा क्लेम प्रोसेस के बारे में। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक दुर्घटना बीमा योजना है। इस योजना का लाभ दुर्घटना होने पर मिलता है। तो आज के इस वीडियो पर हम लोग बताएंगे कि अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है और उसके नाम से पॉलिसी चल रही है तो वह व्यक्ति इस योजना का लाभ कैसे ले सकता है, इसके लिए क्लेम कैसे कर सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर जो जानकारी बता रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आप इसके बारे में जानकारी रखते हैं और आपके आस पड़ोस, आपके फैमिली या फिर आपके किसी भी रिश्तेदार में अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है और उसके नाम से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की पॉलिसी चल रही है तो आप उसका हेल्प कर सकते हो। आप उसको बता सकते हो कि इसके लिए ऐसा ऐसा करना रहता है, ऐसा ऐसा करने पर आपको इसका लाभ मिल जाएगा। तो अगर आपको ये जानकारी पता रहेगा तो आप किसी की भी हेल्प कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो पर जो मैं जानकारी बताऊंगा उसे एक बार जरूर देखिएगा और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर शेयर भी करिएगा। तो चलिए अब देखते हैं विस्तार से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्लेम प्रोसेस को। तो इसके लिए जो सबसे पहला प्रोसेस है किसी व्यक्ति के साथ दुर्घटना होना। अगर किसी व्यक्ति के साथ दुर्घटना हो जाती है, दुर्घटना के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर विकलांगता हो जाती है तो ऐसे स्थिति में उसको सबसे पहले ये चेक करना होगा कि उसका जो खाता में, उसके बैंक अकाउंट में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की पॉलिसी चल रही है या नहीं। और अगर चल रही है तो इसके लिए आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। अगर कन्फर्म हो जाता है कि इसके नाम से पॉलिसी चल रही है तो सबसे पहले आपको जो क्लेम फॉर्म है वो बैंक से ले लेना है या तो फिर किसी भी ऑनलाइन सेंटर से, चॉइस सेंटर से, या फिर ऑनलाइन आप खुद से निकाल सकते हो। तो उसके बाद दूसरा प्रोसेस में आपको जो क्लेम फॉर्म है उसको ला लेना है और उसको सबमिट कर लेना है। उसके बाद तीसरा प्रोसेस में आपको डॉक्यूमेंट्स एकत्रित करना है। जो आप क्लेम फॉर्म भरोगे उसके साथ आपको डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करना रहता है। तो इसके लिए आपको मैं पूरा डॉक्यूमेंट्स का जो लिस्ट है वो बता देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में संलग्न करना है। तो सबसे पहले दुर्घटना होने के लिए जो FIR कॉपी होती है, पंचनामा होती है, उसको संलग्न करना रहेगा। उसके बाद दूसरा है व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना रहेगा। दूसरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट संलग्न करना रहेगा। और व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है, सिर्फ विकलांग हो जाता है तो इसके लिए आपको विकलांगता का सर्टिफिकेट अटैच करना रहेगा। इसके अतिरिक्त कुछ और महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसे भी आपको संलग्न करना रहेगा, जैसे कि बीमित व्यक्ति का आधार कार्ड की फोटोकॉपी, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी और जिसके खाते में पैसा आएगा, नॉमिनी के खाते में या फिर उत्तराधिकारी के खाते में, तो उसका भी बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, उसका आधार कार्ड की फोटोकॉपी, सब चीज़ आपको संलग्न करना रहेगा। सारा डॉक्यूमेंट्स और क्लेम फॉर्म को भर लेने के बाद आपको बैंक में जाकर के जमा कर देना है। अब ये जो सारा प्रोसेस आपको 30 दिवस के भीतर करना है। जैसे कि किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है या फिर मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के या फिर दुर्घटना के 30 दिवस के भीतर आपको बैंक में जाकर के ये जो फॉर्म है उसको सबमिट करना रहता है, जमा करना रहता है। जमा करने के बाद आपको बैंक से एक रिसिप्ट दिया जाएगा, उस रिसिप्ट को अपने पास रखना है। बैंक में जमा करने के बाद आगे का प्रोसेस बैंक भी 30 दिवस के भीतर करेगा। वो पूरा चेक करेगा कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिया है वो सही है कि नहीं, आपका जो खाता में नाम है वो सही है कि नहीं, पूरा डिटेल अपने हिसाब से वो मिलाएगा। उसके बाद इसको आगे प्रेस कर दिया जाएगा, आगे भेज दिया जाएगा और ये जो प्रोसेस करेगा बैंक वो भी 30 दिवस के भीतर ही करेगा। उसके बाद बैंक आगे जो कंपनी है, बीमा कंपनी, उसको भेज देगा। बीमा कंपनी के बाद सारा चीज जाएगा, उसके बाद वो पूरा चीज वेरीफाई करेगा और सब चीज सही रहेगा तो नॉमिनी के खाते में या फिर बीमाकृत व्यक्ति के खाते में या फिर जिसका भी यहाँ पर आप डिटेल दिए हो उसके खाते में पैसा को भेज दिया जाएगा। अगर बीमित व्यक्ति के द्वारा अपने बैंक खाते में या फिर अपने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की पॉलिसी में नॉमिनी का जिक्र नहीं किया गया, नॉमिनी का डिटेल नहीं डाला है तो आपको जो वैध उत्तराधिकारी या फिर वैध नॉमिनी का जो डिटेल है वो आपको तहसील कार्यालय में जाकर के बनवाना पड़ेगा। वहां से जाकर के आप बनवा लीजिए, उसके बाद फॉर्म को सबमिट करिएगा। तो इस प्रकार से आप प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों इसके रिलेटेड हमारे वेबसाइट पर, हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो डली हुई है जिसका लिंक आई बटन पर है, डिस्क्रिप्शन पर है, उस पर क्लिक करके भी आप देख सकते हो विस्तार से। और हमारी वेबसाइट newsarkariyojana.com पर विजिट कर सकते हो, वहाँ पर आपको क्लेम फॉर्म और इसके अलावा और बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी।